हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड द फिफ्थ चैप्टर फूड एंड हेल्थ. वी हैव कंप्लीटेड हाफ चैप्टर. टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द बैलेंस डाइट. व्हाट इज डाइट एंड व्हाट इज बैलेंस डाइट एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड. फाइव मेन न्यूट्रिएंट्स वी हैव स्टडीड अबाउट द फाइव मेन न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, एंड व्हाई दे आर नीडेड फॉर आवर बॉडी एंड फ्रॉम वेयर वी गेट दीज मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. टुडे वी विल रीड द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. रफेज. रफेज इज द फाइबर इन आवर फूड. रफेज क्या है? जो वसा हमारे फाइबर जो होता है हमारे फूड में, उसे क्या कहते हैं? रफेज कहते हैं. ओके, इट मेक्स आर डाइजेशन स्मूद एंड ईजी. ये हमारे डाइजेशन को, हमारे खाने के पचने की प्रक्रिया को बहुत ही आसान और स्मूद करता है. इट हेल्प्स टू कैरी वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम आउट ऑफ आवर बॉडी. और ये हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में, हमारे पेट में या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कहीं भी अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल है, तो उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है. ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ रफेज. जितनी भी तरह के फल, सब्जियां, दालें हैं, इनमें बहुत अधिक मात्रा में रफेज होता है. ओके, मोर टू नो, मिल्क कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल विटामिन्स एंड मिनरल्स एक्सेप्ट विटामिन सी. जो दूध होता है, दूध में हर तरह के विटामिन और मिनरल्स होते हैं सिवाय विटामिन सी इसके. गूजबेरी. गूजबेरी किसे कहते हैं? आंवला. आंवला आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी. आंवला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है. नेक्स्ट इज वाटर. अब हमारे बॉडी को वाटर की क्यों जरूरत है, ये पढ़ेंगे हम. वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आर लाइफ. वाटर क्या है? हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. दो इट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट्स, जबकि पानी में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता. इट इज इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे. फिर भी हमें 6 से 8 ग्लास पानी डेली पीना जरूरी है. वी नीड वाटर बिकॉज इट, हमें पानी की जरूरत क्यों है? बिकॉज इट हेल्प्स इन डाइजेशन, खाना पचाने में मदद करता है. इज मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड, ये हमारे खून का मेजर कॉम्पोनेंट है. मतलब हमारे खून में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? पानी होता है. मेंटेन्स अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, स्थिर बनाए रखने में मदद करता है. हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन द बॉडी. और पानी चीजों को हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब ले जाने में मदद करता है एक जगह से दूसरी जगह. हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट, हमारे शरीर से गंदगी निकालने में मदद करता है. फ्रॉम द बॉडी इन फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट, मूत्र के रूप में या फिर पसीने के रूप में, हमारे शरीर से यूरिन के रूप में या स्वेट के रूप में क्या करता है? ये गंदगी निकालता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है हमारे बॉडी से. ओके, वी मस्ट ड्रिंक क्लीन एंड जर्म फ्री वाटर, हमें साफ और शुद्ध पानी पीना चाहिए. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. एक्सरसाइज द एक्टिविटी दैट यूजेस द मसल्स ऑफ आवर बॉडी. एक्सरसाइज वो काम है जिसमें कि हमारे शरीर की मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है. एक्सरसाइजिंग डेली हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ आर फूड. डेली एक्सरसाइज करने से हमारा जो पाचन क्रिया है, हमारा खाना ठीक तरीके से पचता है. हमारा पाचन क्रिया, डाइजेशन का काम हमारे बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से होता है. इट मेक्स अस फील एनर्जेटिक एंड एक्टिव. और इसकी वजह से आप बहुत ही ताकतवर महसूस करेंगे और बहुत ही एक्टिव महसूस करते हैं, तंदुरुस्त महसूस करते, बहुत ही फुर्ती रहती है आपके शरीर में. इट हेल्प्स अस टोन आर मसल्स, ये हमारे मसल्स को टोन करने में भी मदद करता है. स्टे लीन, हमें पतला रहने में मदद करता है. कीप आवर बॉडी इन गुड हेल्थ, और हमारे शरीर को अच्छे स्वस्थ रहने में मदद करता है.
एंड शेप, और सही आकार में रहने में भी मदद करता है, मतलब पतले रहने में भी मदद करता है। इट इम्प्रूव्स ब्रीदिंग, ये हमारे सांस लेने की ब्रीदिंग की प्रक्रिया को भी अच्छा करता है, ब्लड सर्कुलेशन, और हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, मतलब खून का बहाव होता है अच्छे से, एंड मेक्स मसल स्ट्रांग, और हमारी जो मांसपेशियां, हमारे जो मसल्स हैं उनको क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है। ओके, यंग चिल्ड्रन नीड एक्सरसाइज सो दैट देयर बॉडीज विल ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। जो बच्चे होते हैं उनको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका शरीर अच्छे तरीके से विकसित हो, विकास करे, अच्छा डेवलपमेंट हो उनके शरीर का। रेस्ट, अब हमें आराम करने की क्यों ज़रूरत है? द बॉडी नीड रेस्ट आफ्टर अ डेज हार्ड वर्क। पूरे दिन काम करने के बाद हमारे शरीर को आराम की बहुत ज़रूरत होती है। रेस्ट गिव्स अस फ्रेशनेस, आराम करने से हमें ताजगी का एहसास होता है, हमें ताजगी मिलती है। अ गुड स्लीप गिव्स रेस्ट टू द बॉडी, एक अच्छी नींद, अगर आप चैन से सोते हैं तो आपके शरीर को आराम मिलता है, आपके बॉडी सिस्टम को। इट गिव्स आवर बॉडी अ चांस टू रिपेयर इट्स वेयर एंड टेयर, ये हमारे शरीर में जो भी टूटा फूटा चल रहा होता है उसको रिपेयर करने में, उसको बनाने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर माइंड एंड बॉडी हेल्दी, ये हमारे दिमाग को और हमारे शरीर को स्वस्थ रहने में भी मदद करता है। वी नीड एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ अनडिस्टर्ब्ड स्लीप डेली, हमें रोज 7 to 8 hours बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी प्रॉब्लम के सोना चाहिए, मतलब बिना उठे लगातार 7 to 8 hours सोना चाहिए। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट को डिफाइन करना है। A diet which contain all the nutrients in right amount as per the requirement of body for proper growth and functioning is called a balanced diet. वो खाना जिसमें सभी nutrients हों सही मात्रा में और जो हमारे शरीर के growth के लिए सही हो उसे क्या कहते हैं, balanced diet कहते हैं। Why do people need rest? लोगों को आराम करने की क्या ज़रूरत है? अभी हमने पढ़ा The body needs rest after a day's work. Rest gives us freshness. A good sleep gives rest to the body system. It gives our body a chance to repair its wear and tear. It also helps in keeping our mind and body healthy. We need at least 7 to 8 hours undisturbed sleep daily. Next question is, why is water essential for our body? पानी की क्या जरूरत है हमारे शरीर के लिए? हमने पढ़ा We need water because it helps in digestion. We need water because it helps in digestion. It is major component of blood, maintains a constant body temperature, helps in transport of substance within the body, helps in removing water waste from the body in form of urine and sweat. Okay? तो ये सारे जरूरत है हमें पानी की। Next question is, Why do you need rich food rich in protein? हमारे शरीर को प्रोटीन वाले खाने की क्या जरूरत है? Okay? Protein help the body grow, build new cells, tissue, bones, muscles and repair the damaged tissues. They are called bodybuilding food. They also help in regaining strength when you fall sick. Growing children needs protein in their diet. Muscles, skin, nails and hair made up mostly of protein. Okay? Next question. Next question is, why is roughage important for us? Give example of roughage rich food. Roughage की क्या ज़रूरत है और roughage rich food का example देना है. Okay? Roughage is the fiber in our food. It makes us
our digestion smooth and easy. It helps to carry waste material from digestive system out of our body. All kind of fruits, vegetables and pulses are rich source of roughage. Okay? Next question. Next question is, why are vitamins and minerals important for our body? Vitamins or minerals ki hamare shareer mein kya zarurat hai? Vitamin and minerals are needed in very small quantity. They protect us from strength to fight against and give strength to fight against disease to remain healthy. These are called protective food. Fresh fruits and vegetables are rich in vitamins and minerals. This is why our meal should have a portion of fruit and vegetables. Okay? The diet of a person who has fallen sick and is recovering from illness needs more vitamins and minerals. If the body does not get them in sufficient quantity, it can result in many diseases. Okay? Next question. Next is true and false. Protein are body building nutrients. True. Carbohydrate are energy giving nutrients. True. Fruit and vegetable do not contain fiber. False. Fiber hote hain fruits or vegetables mein. Exercise make us feel energetic and active. True. Vitamin E keeps the skin healthy. True. Vitamin K is required for normal blood clotting. True. Okay, sirf ek wrong hai aur sare true hai. Next is fill in the blanks. Dash, a carbohydrate, gives us instant energy. Starch. Comma, a carbohydrate gives us instant energy. Starch and carbohydrate क्या करता है? आपको तुरंत ताकत देता है. या फिर glucose एक ऐसा what you have to write glucose एक ऐसा carbohydrate है जो आपको तुरंत एनर्जी देता है. ग्लूकोज अ कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी. फूड विथ ऑल द डैश इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. फूड विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. फैट रिमेन्स डैश इन आवर बॉडी फॉर लेटर यूज. स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर लेटर यूज. विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन डैश क्वांटिटी. In little quantity, small quantity. Dash and dats are the protective food. Jo bachata hai aapko. Vitamins and minerals. Vitamins and minerals. Protective food because it protects you from diseases. Dash is the fiber present in our food. Roughage is the fiber present in our food. Okay, now fill in the blanks is over. Come to match the column. Soya bean mein bahut adhik matra mein kya hota hai? Protein hota hai. Cereals. Sunlight mein kya hota hai? Vitamin D hota hai. Calcium and phosphorus. Water is major component of blood. Cereals में carbohydrate होता है and calcium phosphorus is needed for your bones. Okay? So, mash the column is also completed. Next is puzzles and quiz. Give one word for food with all the nutrients. It's called balanced diet. Balanced diet. Okay? Deficiency or lack of nutrients in our body. Diseases. Present in all citrus fruit and vegetables. Khatte phal mein aur sabjiyon mein present hota hai. Kya vitamin C? Minerals needed to build bones and teeth. Aisa mineral jo ki
दांत और हड्डियां बनाने में काम आता है। आई थिंक फॉस्फोरस, वी कैन गो एंड रीचेक इट। यस फॉस्फोरस। सो व्हाट इज इट? फॉस्फोरस। नेक्स्ट इज हेल्प टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, वाटर। वाटर मदद करता है वाटर टेम्परेचर को मेंटेन करने में। नाउ कम टू क्रॉस पजल। फर्स्ट इज फूड यू ईट, जो खाना हम खाते हैं। टू में फिल करना है डाइट, DIET, डाइट। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ टू डू फिजिकल एंड मेंटल वर्क। थर्ड में फिल करना है आपको एनर्जी, एनर्जी। बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन। फिफ्थ में फिल करना है आपको, फाइव नंबर में प्रोटीन। देन सेवेंथ में एनर्जी गिविंग फूड दैट डू नॉट गिव इंस्टेंट एनर्जी, फैट, फैट्स। एट्थ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच आर रिच सोर्स ऑफ दीज। एट्थ विटामिन्स, विटामिन। नेक्स्ट एक्टिविटी दैट यूजेस मसल्स ऑफ द बॉडी, एक्सरसाइज। नाउ डाउन प्रोटेक्टिव फूड, जो प्रोटेक्ट करता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। वन नंबर मिनरल्स, MIN, मिनरल। फोर्थ एनर्जी गिविंग फूड दैट रिमेन एज शुगर एंड स्टार्च, जो शुगर स्टार्च की तरह रहता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ विच फूड इज मेड अप, न्यूट्रिएंट्स, NUTRIENTS। न्यूट्रिएंट्स। ओके सो दिस इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ मूव टू नेक्स्ट। नेम टू फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जिस दो खाने में होता है। शुगर, राइस, फैट, घी, ऑयल, बटर, विटामिन्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, प्रोटीन, पल्सेस, एग, मिनरल्स, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, डिफरेंस बिटवीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट में क्या डिफरेंस है ये बताना है आपको। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में क्या क्या डिफरेंस था। कार्बोहाइड्रेट्स आर ईजली एब्जॉर्बेबल, वो ईजली एब्जॉर्ब हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन योर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट इज ईजली एब्जॉर्बेबल, और जो आपका फैट है वो क्या है, वो ईजली एब्जॉर्बेबल नहीं है। फैट इज नॉट ईजली एब्जॉर्बेबल। एंड कार्बोहाइड्रेट गिव इंस्टेंट एनर्जी एंड फैट डू नॉट गिव इंस्टेंट एनर्जी। सो दिस इज द
डिफरेंस बिटवीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट इज फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन. फैट सॉल्युबल विटामिन आर डिजॉल्व इन फैट एंड गेट स्टोर्ड इन फैट एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन डिजॉल्व इन वाटर. ये तो आप देख सकते हैं, इट्स देयर इन योर बुक. सी vitamins that dissolve in fat is called fat soluble vitamins. These vitamins are A, D, E, and K. Water soluble is water soluble in water. Vitamin soluble in water is called water soluble vitamin. These vitamins are vitamin B and C. So with these differences, this chapter is completed. If you have any doubt, you can write in the comment and ask me. And don't forget to like, subscribe and share the video. And thank you for watching this video, guys.